और ये देख, ये बात इजी, वाह, वो हो यहाँ मैंने दो किलो 506 तो पानी का हूँ, ये मैं लगाता मैं ये लैब रिपोर्ट क्या कह रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट सुला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे, आपकी रिक्वेस्ट पर आज मैं स्पेशल ओपनिंग करूंगा, रिव्यू करूंगा और पूरा एक्सरे कर दूंगा ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, मेड इन इंडिया ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का आज हम रिव्यू करेंगे लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ में। और इसमें कितनी स्कूप कंपनी क्लेम कर रही है, कितनी निकल रही है, इसके लिए हमने जो है अपना टब भी रख लिया है, जिसने बड़े से बड़े प्रोटीन और मास गेनर की स्कूप को पूरा काउंट करके आपको बताया है, दिखाया है। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट इसका जो है एक्सरे करने वाले हैं। तो ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, नाम तो सुना ही होगा आपने, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का नाम किसने नहीं सुना, जिसने प्रोटीन का नाम सुना है उसने ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का नाम जरूर सुना होगा। आज भी ये मोस्ट पॉपुलर मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो रही है। अब एक चीज मैं स्टार्टिंग में बता दूं, क्या ये इंडिया में बन रहा है तो इसका मतलब खराब है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए इसकी जो है ब्लेंडिंग और पैकिंग यहां पर की है, बाकी इसका जो रॉ मटेरियल है, इसकी जो फॉर्मुलेशन है, इसका जो भी मतलब डिजाइन वगैरह है, वो सब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यूएसए से ही आता है। यहां पर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्लेंडिंग की जाती है। तो मैंने ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड यूएसए का तो लैब रिपोर्ट बना दिया था पहले, वो आप जाकर देख सकते हैं, साइड में थंबनेल आ रहा है। आपकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी और ये अपने आप में इकलौती वीडियो है ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक ब्लेंड वे प्रोटीन है, मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन है, मोस्ट सेलिंग प्रोटीन है, और नो डाउट यूएसए वाले की डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन, और वो धीरे धीरे अब इंडिया वाले की भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जल्दी जो हमारे पर नोटिफिकेशन आया वो ये है कि यूएसए वाला जो ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड आया है वो आना बंद हो जाएगा, फिर यही वाला आपको मिलेगा। तो ये एक ब्लेंड वे प्रोटीन है, ब्लेंड वे प्रोटीन मतलब जिसमें आपको वे प्रोटीन की दो या दो से ज्यादा फॉर्म मिलती है, जैसे वे प्रोटीन आइसोलेट प्लस कंसंट्रेट या आइसोलेट प्लस कंसंट्रेट प्लस हाइड्रोलाइसेट, तो ये ब्लेंड वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन मतलब जो दूध से बनता है और इसका डाइजेशन काफी अच्छा है, ये इंस्टेंट मसल रिकवरी देता है, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कराता है, इसे कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने वाला ले सकता है, जिम करने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, रनिंग करने वाला, आप फुटबॉल खेलते हैं या आप घर में भी इसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने के लिए, घर में आपके मम्मी पापा भी इसको ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा दो और उनसे कह दो कि प्रोटीन सप्लीमेंट गलत नहीं है, पर लेना कहां से है, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स विलस। एक चीज बता दूं, अगर आपके मम्मी पापा इसे लेते हैं ना, तो इसके अंदर जो चम्मच है उसको भर के ना ले, घर वाली चम्मच से ले दूध या पानी में, इसको लेना होता है एक्सरसाइज करने के बाद पानी में, लड़की लड़का कोई भी इसे ले सकता है। एक स्कूप कंपनी क्लेम कर रही है जी 31 ग्राम की, अभी हम तोल के देखेंगे, कंपनी की बात थोड़ी मानेंगे, पर कंपनी कह रही है 31 ग्राम की एक स्कूप है, टोटल सर्विंग है 73, अभी हम पूरे टब में खला के देखेंगे, ऐसा थोड़ी मानेंगे, पर कंपनी कह रही है 73। एक स्कूप में एनर्जी 121 कैलोरीज, प्रोटीन है 24 ग्राम, कंपनी कह रही है, हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, लैब रिपोर्ट में क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, आज इसकी पोल खुल जाएगी। टोटल फैट दिया हुआ है 1 ग्राम और यहां पर कार्बोहाइड्रेट दिए हुए हैं 4 ग्राम। प्रोटीन की फॉर्म है ब्लेंड वे प्रोटीन आइसोलेट कंसंट्रेट और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन इसके अंदर आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यहां पर जो है इसकी पैकिंग, डिजाइनिंग, एक्स वाई जेड सारी चीजें बिल्कुल यूएसए वाली हैं, कोई इसमें बिल्कुल फर्क नहीं है, वनीला ये फ्लेवर है और इसके अंदर 5.5 ग्राम BCAA आपको मिलने वाला है। चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता मैं, फटाफट करते हैं। तो इसको जो है हम जल्दी से करते हैं ओपन, यहां से मैं कर देता हूं ओपन इसको ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड को। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और इसके अंदर जो है आपको कोई भी इंपोर्टर टैग नहीं मिलेगा, यही इंडिया वाले की पहचान है। और बाकी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ये स्क्रैच कोड आपको जरूर मिलेगा, जिसे आप स्क्रैच कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए इनकी साइट पर जा सकते हैं। और ये है ढक्कन के ऊपर ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ये आपको मिलेगा ओरिजिनल वाले इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर। अब मैं दिखा देता हूं यहां पर, और ये देखिए इसके अंदर आपकी सील निकलेगी, ध्यान रखेंगे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड उसके अंदर आपको सील मिलने वाली है। तो करता हूं यहां से इसको ओपन, ये बात कर दिया मैंने काम अपना इजी, और ओपन करते ही वाह, वो हो वनीला की बड़ी जबरदस्त मजेदार खुशबू इसमें से आ रही है। और ये जो है ब्लेंडिंग इसकी जो सारी चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में। अब यहां पर जो है इसकी हम स्कूप देख लेते हैं, उससे पहले मैं प्राइस की बात बताऊं, प्राइस बता दूं कि आपको एंड में बताऊं, चलो एंड में बता देता हूं,
नहीं अभी बता देता हूँ, चलो अभी बताता हूँ प्राइस मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एंड में भूल जाऊंगा। प्राइस है इसका एमआरपी दिया हुआ है 8,799 और सप्लीमेंट सलाह पर इसका सेलिंग प्राइस है 7,400 7,400 का आपको मिलेगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और 7,800 चल रहा है अभी फिलहाल यूएसए वाले का, तो कॉस्ट कटिंग है इसमें, थोड़े आपको पैसे बचेंगे। चलो यहाँ से मैं इसकी स्कूप ढूंढ लेता हूँ और यार ये स्कूप ढूंढने वाला काम मुझे सबसे जो है ना गंदा लगता है क्योंकि पूरे हाथ हो जाते हैं प्रोटीन में। और ये इसकी स्कूप दिखा देता हूँ कि कैसी स्कूप निकलेगी, गोल्डन निकलेगी, वाइट निकलेगी, कैसी निकलेगी। तो ये सिंपल वाइट स्कूप इसकी निकलेगी जो कि कंपनी कह रही है जी कितने ग्राम की बता रही है, कंपनी बता रही है 31 ग्राम की। चलो स्कूप नाप के देख लेते हैं पहले इसकी कितने ग्राम की। तो ये हमारा तराजू जिसने बड़े बड़े प्रोटीन सप्लीमेंट्स बड़े बड़े ब्रांड का पर्दाफाश कर दिया, यही है वो तराजू हमारा सदाबहार। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑन और यहाँ पर जो है स्कूप मैं लेता हूँ, देखूँ हीपिंग स्कूप है क्या है, सर्विंग वन स्कूप नॉर्मल लेवल स्कूप है, तो मैंने लेवल स्कूप लिया। देख लो भाई, देख लो भाई, आप देख लेना लेवल स्कूप है बिल्कुल, कहीं आप ये कहो कि हीप लिया था, लेवल स्कूप। और यहाँ मैंने डाल दिया, गलत आया है जी 31 ग्राम कंपनी क्लेम कर रही है, 27 ग्राम आया है, गलत है। पर चलो ऐसा हो सकता है कि ये गलती से हो गया हो, एक बार और लेता हूँ फिर मैं, क्योंकि यार 27 और 31 में तो काफ़ी डिफरेंस है, एक आध दो ग्राम का तो चलता है और इतनी पॉपुलर ब्रांड है यार ये। मैंने फिर से देख लो लेवल स्कूप लिया है बिल्कुल, ये भर के लेवल स्कूप, ये देख लो आपके सामने बिल्कुल लेवल स्कूप है, बिल्कुल नाप के लेवल स्कूप, और या फिर डाल दिया तो अब आया ये 28 ग्राम, तो इसका मतलब है फिर 27 हो गया, तो इसका मतलब है स्कूप साइज है इनएक्यूरेट, 27, 28, 29, 30, 31, 4 ग्राम का ऊपर नीचे है जो कि नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें प्रोटीन पाउडर कम है। अभी देख लेते हैं, अभी पूरा बता देते हैं इसमें जो टोटल जो कंपनी ने बता रही है जी, इसके अंदर है आपका 2 kg 270 g 5 lbs। तो मैं इसको नाप लेता हूँ जरा पूरे डिब्बे के साथ, ऐसा तो नहीं प्रोटीन पाउडर कम हो, नाप लेते हैं ये। तो ये आया है 2 kg 586 g, कंपनी कह रही है 2 kg 270 g, क्या प्रोटीन पाउडर ज़्यादा है? नहीं, बाकी जो वेट है वो बॉक्स का है, मतलब प्रोटीन जो इस पाउडर है इसके अंदर वो बिल्कुल एक्यूरेट है, स्कूप साइज इनएक्यूरेट है यार, ये गलत है, कंपनी को थोड़ा सुधार करना चाहिए। बाकी प्रोटीन पाउडर इसके अंदर पूरा है वो कोई दिक्कत नहीं, पर स्कूप साइज में 4 g का डिफरेंस आया है जो कि नहीं होना चाहिए, यार कंपनी भी तो ऑन है इसलिए भैया स्कूप साइज में भी इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं, वैसे ठीक है स्कूप साइज में थोड़ा सा डाउन है। चलो अब हम कर लेते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी, देन हम इसकी स्कूप भी नापेंगे पूरा, मतलब इसमें अब जो कंपनी कह रही है 73 स्कूप 73, तो 73 से ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि 4 g पर स्कूप में कमी निकलेगी, तो इसलिए 2-4-5 स्कूप इसमें एक्स्ट्रा निकल सकती हैं। चलिए मैं इसको करता हूँ मिक्स अपने शेकर में, सप्लीमेंट्स विला का प्रीमियम शेकर जो कि आपको गिफ्ट मिलेगा जब आप इसे ऑर्डर करेंगे सप्लीमेंट्स विला से। तो इसमें मैं डाल देता हूँ पानी, पानी अपने स्वाद अनुसार डालें आप, मतलब आपको हल्का मिक्सचर चाहिए तो पानी करें ज़्यादा, गाढ़ा मिक्सचर चाहिए तो पानी करें कम, मैंने किया 350 ml पानी क्योंकि मुझे चाहिए हल्का मिक्सचर। तो यहाँ पर वनीला फ्लेवर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड एक स्कूप मैं इसमें मिला लेता हूँ, ये मैंने मिला ली। तो अब मैं कर लेता हूँ इसको मिक्स आपके आंखों के सामने, मिक्सिबिलिटी देख लेते हैं इसकी। मेरा जो पहला प्रोटीन था वो ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड ही था यार, और पहला नहीं, मैंने तो 2-3 खाए थे लगातार, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसका मतलब डाइजेशन बड़ा प्यारा है और बड़ा पतला सा मिक्सचर बनता है। यूएसए वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया वाले की आपको सामने दिखा दूंगा आपको अभी करके। और ये देखो इतने थोड़े से मिक्स करने में ही मिक्स हो गया है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको गिलास में, ये डाल दिया गिलास में, और देख लो कोई लम्स वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी मिक्सिबिलिटी है जैसा कि मुझे पता ही है। भाई वाह, बेहतरीन टेस्ट है, कोई कमी नहीं है, मिठास थोड़ी हल्की है और वो रहती है इसके चॉकलेट फ्लेवर में, मिठास हल्की रहती है। और मुझे बिल्कुल जो है याद आ गई जब मैंने पहली बार ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड पिया था, पर मैंने पिया था चॉकलेट फ्लेवर, वो ये है आपका वनीला फ्लेवर। अगर आपको वनीला फ्लेवर पसंद है तो आप इसे जरूर इंजॉय करेंगे। अगर आप इसको ना मतलब देखो पानी को ना इतना कर दो, इतना देख रहे हैं आप, मतलब इसका 1/4 जितना ये गिलास में पानी, इसका 1/4 कर दो आप इसको पानी को, बता रहा हूँ मैं आपको एक आइडिया, 1/4 कर दो या 30% कर दो और इसको ना फ्रीज में जमा दो और सुबह खाओ कुल्फी, मजा आ जाएगा, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम खाना भूल जाओगे आप, इतना स्वाद आएगा इसके अंदर। और प्रोटीन की कुल्फी, वाह, मैं किसी दिन ट्राई करूंगा प्रोटीन की कुल्फी बनाने का, उसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगा सप्लीमेंट सलाह पर, ठीक है। तो दोस्तों जो है टेस्ट में बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़्यादा मीठे फ्लेवर पसंद हैं वैसे, पर मैं इसको दूंगा 80 out of 100, ये मेरा पर्सनल जो है मार्किंग है, क्योंकि हो सकता है आपको कम मीठे फ्लेवर अच्छे लगते हो तो आप इसे जरूर इन्जॉय करने वाले हैं, वनीला फ्लेवरिंग बहुत अच्छी की हुई है इसमें, कोई दो राय नहीं है। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं फटाफट बिना देरी किए, क्योंकि अब अगला स्टेप होने वाला है हमारा थोड़ा लंबा,
अब इसमें करेंगे हम स्कूप काउंट। चलिए अब जो है अब हम इसमें कर लेते हैं इसकी स्कूप टेस्टिंग की, कितनी स्कूप इसके अंदर निकलती है। कंपनी कह रही है 73 स्कूप और मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि स्कूप साइज इनएक्यूरेट है। चलिए एक हमने मिला लिया, ये रहा दूसरा, फटाफट फटाफट करते हैं, ये रहा तीसरा। तिहत्तर, चौहत्तर, जैसा कि मैंने कहा था ज़्यादा निकलेंगी, पिछहत्तर, एटी थ्री, एटी फोर, और इसमें एक स्कूप और होगी आधी और एक 85, तो टोटल 85 निकली है जैसा कि मैंने कहा ही था क्योंकि इनएक्यूरेट है यार, 4 ग्राम का फर्क है पर स्कूप में और 73 जो है कम करी तो आप लगा लो 10-12 स्कूप का इसमें डिफरेंस आया है। प्रोटीन पाउडर इसमें पूरा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो दोस्तों ये है ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, बाकी हम उम्मीद करते हैं कंपनी जल्दी ही जो है इनएक्यूरेट उनका साइज है स्कूप का उसे वो एक्यूरेट कर लेंगी, बट चलो कोई बात नहीं, प्रोटीन तो हमें पूरा मिल ही रहा है। अब यहाँ हम देखें तो दोस्तों लैब रिपोर्ट क्या कह रही है जी। लैब रिपोर्ट हमारी कह रही है कि ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड जो आपका इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, लैब रिपोर्ट के हिसाब से उसमें आया है आपका 74.83% प्रोटीन। जी हाँ, 74.83%, और इसमें जो आपका स्कूप साइज है वो है 31 ग्राम। भाई वैसे वो स्कूप साइज इनएक्यूरेट है, वो अलग चीज है, पर 31 ग्राम का अगर हम 73.84 निकालेंगे तो वो आएगा 23.19 ग्राम प्रोटीन। कंपनी क्लेम कर रही है 24 ग्राम प्रोटीन, हमारा आया है 23.19 ग्राम प्रोटीन। इसका मतलब गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ठीक है यार, एक आध ग्राम ऊपर नीचे चल जाता है क्योंकि काफी बार सैंपलिंग में और टेस्टिंग में भी जो है ऊपर नीचे हो जाता है, इतना डिफरेंस चलता है। तो लैब रिपोर्ट वीडियो में आपका ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है बिल्कुल पास। आप यूएसए वाला लो, इंडिया वाला लो, एक ही बात है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं है भैया, यूएसए वाले की डिमांड और पॉपुलरिटी जो है काफी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया वाला। वो कब तक रहेगी अब ये टाइम बताएगा। वैसे मैंने बताई दी आपको, नोटिफिकेशन आ चुका है कि यूएसए वाला जो है जल्दी ही मे बी शायद इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा, तब आपको यही मिलेगा। और ये खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने पूरा एक्सरे इसका कर दिया है, और क्या लोग यार, जल्दी से ऑर्डर करो सप्लीमेंट सलाह से। प्राइस है सर 7400, वो है 7800 का। ऑर्डर करो, इसे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ओरिजिनल मिलेगा सप्लीमेंट सलाह से। इसकी कॉपियों से बचो, इसकी कॉपी आज भी मार्केट में सबसे ज्यादा है, सस्ते के चक्कर मत पड़ो। ये होली ऑफर, वो दिवाली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, ईद ऑफर, इनसे बचो भाई, मत लो सस्ते के चक्कर में। खाने पीने की चीज है, खाने पीने की चीज कैसे, देखो देखो इसको, ये कैसे जा रही है अंदर, अंदर गई है, अंदर अंदर, तेल नहीं है सिर पे लगाया है, जो मैंने भात पे लगा लिया है, अंदर गया, अंदर लीवर किडनी हार्ट, कुछ भी नुकसान हुआ, कोई रिप्लेसमेंट सेंटर नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है इनका, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नकली मत लो, ओरिजिनल लो, सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से, पूरे इंडिया का विश्वास है सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला। तो इसलिए ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड से ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कॉन्टैक्ट नंबर आने, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, दूसरा ऑप्शन सप्लीमेंट्सवाला.com विजिट करो, वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, ईएमआई ऑप्शन सब कुछ मिलेगा, और ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं क्योंकि सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट सब हर सिटी में ओपन हो रहे हैं, हर जगह ओपन हो रहे हैं।
तो सप्लीमेंट्स विला के जहाँ नजदीकी आउटलेट है आपके वहां पर विजिट करो। अगर आप दिल्ली आसपास रहते हैं तो दिल्ली कालका जी जा सकते हैं, पलवल आसपास रहते हैं तो पलवल हरियाणा आ सकते हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, आगरा उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा, यहां पर आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। अगला आउटलेट ग्वालियर मध्य प्रदेश, देन उसके बाद में पंजाब, देन उसके बाद गुजरात, दिल्ली में एक और आउटलेट ओपन होगा। पूरे इंडिया में आउटलेट्स ओपन हो जाएंगे, पर धीरे धीरे, क्योंकि सारे आउटलेट्स आपके अपने आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजी बेस नहीं है, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहने दूंगा। आपको परिवार बोला है, परिवार की तरह लेके चलूंगा, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स ही मिलेंगे, सेहत भी बनेगी और नुकसान कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट्स वाला से इसके बारे में कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछो, वीडियो चलिए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।